हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी के ज़बरदस्त मिठाई। और अभी मिठाई कैसे बनाई हूँ वह शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देर ना करते हुए चलिए देख लेते हैं ये मिठाई कैसे बनाया है। सूजी की मिठाई बनाने के लिए देखिए, मैंने सूजी लिया है एक कटोरी। सूजी को ग्राइंड करके लिया है, आपके पास पतला सूजी हो तो वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एक कटोरी शुगर पाउडर है, एक कटोरी कोकोनट पाउडर, और यहाँ पर छोटी कटोरी मैंने तिल भून कर लिया है, पीस कर ग्राइंड करके इसे पाउडर बना कर लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है गैस पर, और यहाँ पर देसी घी डाला है इसके अंदर 3 चम्मच। और ये घी गर्म हो गया है, इसमें हम ग्राइंड किया हुआ सूजी डाल देंगे घी के अंदर, ऐसे मिला लेंगे घी में अच्छे से। और यहाँ पर हम फ्रेंड्स कंटिन्यू चलाएंगे कढ़ाई के अंदर, तलवे में लग जाएगा अगर कंटिन्यू नहीं चलाए तो। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे गैस को कर रखा है, और आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हम सूजी को नहीं भुनेंगे, इसका कलर ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 पाव दूध का यूज किया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डालूंगी 1 पाव। दूध का फ्लेवर वाला मिठाई बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे जैसे चलाएंगे फ्रेंड्स, ये डो फॉर्म में आ जाएगा सूजी। और आप देख सकते हैं सूजी कढ़ाई छोड़ रही है। और यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये डो फॉर्म में देखिए आ गया है सूजी, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है, और इसे हम मस लेंगे दोनों हाथों से। इसे यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छा से मस लेंगे, नहीं तो हमारा ये मिठाई फट जाएगा बनाते समय में। मस लेंगे तो बहुत सॉफ्ट मिठाई बनेगा, इसलिए हम 5 मिनट तक इसे मसल लिए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने मसल लिया है अच्छे से। और यहाँ पर हम शुगर पाउडर डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम ठंडा करके शुगर पाउडर डालेंगे, नहीं तो गरम में डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा चीनी, इसलिए ठंडा करके ही शुगर पाउडर डालें। और यहाँ पर शुगर पाउडर को मिला लेंगे अच्छे से। और देखिए ये डो थोड़ा गीला हो गया है, क्योंकि ये पानी छोड़ रहा है ये शुगर। और यहाँ पर हम तिल का पाउडर डाल देते हैं, इसे भी मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर कोकोनट पाउडर, और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स ये बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनने वाली है, और आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ गया है। और चलिए हम हाथों में ऑयल लगाकर मिठाई सेप दे देते हैं। देखिए लंबा लंबा मैंने रसगुल्ला वाला सेप दिया है, आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं, मैंने लंबा लंबा सेप दिया है। देखिए इस तरीके से। और बाकी मिठाई मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और यहाँ पर सारे मिठाई बनकर मेरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि सूजी का मिठाई है ये। और फिर देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। और आप देख सकते हैं
आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन चलिए हम स्टीम कर लेते हैं इसे। उसके लिए देखिए मैंने इडली स्टैंड लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी लगा लिया है स्टैंड के अंदर, और इसमें हम जितना आएगा उतना हम रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इडली स्टैंड में रख दिया है सारी मिठाई को, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड रख दिया है पहले से गैस के ऊपर, इसमें एक गिलास पानी डाला है और यहाँ पर हम स्टैंड को रख देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हम स्टीम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 मिनट में ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये स्टीम हो चुका है और मैं गैस ऑफ करके इसे निकाल लूँगी बाहर। और इसे थोड़ी देर तक हम ठंडे होने देते हैं, उसके बाद निकालेंगे मिठाई को। और आप देख सकते हैं ठंडा हो गया है और कितना स्पंज बना है। यहाँ पर देखिए कोकोनट पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें सारी मिठाइयों को डिप करूँगी। इस तरीके से लगाकर हम सारी मिठाई रख देंगे साइड में। आप देख सकते हैं कितना शो कर रहा है मिठाई, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी। और बाकी मिठाई की इसी तरीके से मैं डिप कर लिया है, आप देख सकते हैं सारी मिठाई मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं अंदर की टेक्सचर। और फ्रेंड्स ये मिठाई बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।